सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक फ्रेश नई वीडियो में। हाँ, तो सबसे पहले गाइस देखो जान लो कि यार आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई देखो गेम के अंदर वापस आने वाला है अपना इवो यूएमपी और तो और साथ में यार ड्रैको एके दोनों गन अपने गेम के अंदर फिर से वापस आने वाला है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और सबसे बड़ी न्यूज क्या आपको पता है गाइस? देखो सबसे बड़ा गुड न्यूज ये कि भाई डेट कंफर्म हो गया कि ये कब आने वाला है, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये हुई ना बात। और तो और बात करने वाले हैं गाइस, देखो गेम के अंदर आने वाला है एक बिल्कुल नया नियॉन क्रिमिनल बंडल, मतलब एक ऐसा क्रिमिनल बंडल आएगा जिसके अंदर आप लोगों को हर समय लाइटिंग का इफेक्ट देखने में मिलने वाला है। वेरी डेंजरस। तो न्यू क्रिमिनल बंडल का पूरा रिव्यू गाइस आज आपको मैं देने वाला हूं। और तो और बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीएस रैंक एंड बरमुंडा रैंक गन स्किन रिवॉर्ड के बारे में, जो आप लोगों को गोल्ड पर जाने के बाद मिलते हैं तो वो क्या मिलने वाला है ये भी बताऊंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। और हाँ, सबसे खास बात गाइस देखो गेम के अंदर जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर आप लोगों को देखने मिलेंगे भाई वो भी कंफर्म हो गया, तो भाई आज आपको मैं इसका भी रिव्यू देने वाला हूँ। वैसे हाँ गाइस देखो और भी काफी सारे सीक्रेट अपडेट और काफी सारे फ्री रिवॉर्ड आपको मैं आज वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहो एंड तक। हाँ, तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं कुछ फ्री रिवॉर्ड के बारे में। गाइस देखो गेम के अंदर आने वाला है न्यू क्राफ्टलैंड का रैंक सिस्टम, मतलब यार अभी तक आप लोग क्राफ्टलैंड में बस कस्टम ही खेला करते थे, लेकिन यार आगे से आप लोगों को क्राफ्टलैंड का भी न्यू रैंक सिस्टम देखने में मिलने वाला है रैंक मोड। इस बात से तो भाई आप लोग ये जानते हो कि यार देखो जब रैंक मोड आएगा तो कम से कम यार फ्री रिवॉर्ड आप लोगों को दबा के मिलने वाला है। देखो पहले मुझे लगा था कि यार उतना कुछ खास रिवॉर्ड आप लोगों को मिलेंगे नहीं क्राफ्टलैंड का, बिकॉज ये गेम कोई खेलता ही नहीं है, ये कस्टम कोई पसंद ही नहीं करता, लेकिन यार गर्ना वाले ने जो रिवॉर्ड दिया भाई आगे सब लोग क्राफ्टलैंड छोड़कर दूसरा कुछ गेम खेलोगे ही नहीं। हाँ, तो बात करते हैं रिवॉर्ड के बारे में, लेकिन उसके पहले गाइस यहाँ पर आप लोग जो इंटरफेस देख पा रहे हो गाइस देखो इसका जो मतलब क्राफ्टलैंड का जो रैंक पॉइंट होगा भाई उसका इंटरफेस कुछ देखने में ऐसा ही होने वाला है। और हाँ, इसके अंदर भी आप लोग को बिल्कुल सेम टू सेम हीरो ग्रैंडमास्टर ये सब कुछ देखने में मिलने वाला है, बिल्कुल अपने नॉर्मल बरमुंडा रैंक की तरह ही। लेकिन बात करें इसके रिवॉर्ड के बारे में तो भाई देखो इसका जो रिवॉर्ड है काफी नेक्स्ट लेवल आप लोग को मिलेंगे, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप लोग को एक सर्व बोर्ड मिलने वाला है और तो और गाइस यहाँ पर आप लोग को एक लूट बॉक्स मिलेंगे, साथ में गाइस यहाँ पर आप लोग को एक इमोट भी मिलने वाला है। तो एक तरफ से देखा जाए गाइस देखो यार ये रिवॉर्ड तो काफी बेस्ट है, लेकिन भाई इससे भी एक बेस्ट रिवॉर्ड आप लोगों को तैयार किया गया गाइस। देखो यहाँ पर आप लोग को मैं एक यूएमपी के गन स्किन दिखा रहा हूं, तो बता दूं गाइस आप लोगों को देखो ये वाला यूएमपी गन स्किन भी आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और भी गाइस देखो आप लोगों को डायमंड 4 करना पड़ेगा अपने क्राफ्टलैंड रैंक मोड पर, फिर आप लोगों को यूएमपी गन स्किन और साथ में डायमंड वाउचर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सबसे खास बात है कि भाई देखो इमोट गन स्किन लूट बॉक्स पैराशूट यार बहुत कुछ आइटम आप लोगों को क्राफ्टलैंड रैंक मोड पर इस बार फ्री दिया जाने वाला है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम गेम के अंदर आने वाला है इसलिए। और हाँ, एक बात जो बहुत जरूरी है गाइस देखो कोई भी ऐसा मत समझना कि यार ईएमपी का गन स्किन मिल रहा है मतलब इसके अंदर सिंगल रेंज सिंगल मैगजीन होगा, ऐसा नहीं है भैया। इसके अंदर आप लोगों को या तो डबल डैमेज दिया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ खतरनाक एट्रीब्यूट इसके अंदर आप लोगों को दिया जाने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो तैयार हो जाओगे फिर से एक बार बहुत बढ़िया बढ़िया फ्री रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। और हाँ गाइस देखो आगे बढ़ने से पहले एक बात है भाई, देखो शुरुआत में लाइक करने नहीं बताया था, तो यार अभी बता रहा हूं दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस देखो लाइक यार होता तो फ्री का, लेकिन यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो भाई देखो लाइक यार दिल से जरूर कर देना। आगे बढ़ते वीडियो में नेक्स्ट अपडेट की तरफ गाइस देखो अपने गेम के अंदर आने वाला है एक नया नियॉन क्रिमिनल बंडल, जिसके यार लुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि पूरे ग्रीन क्रिमिनल के थीम पे ही बनाया गया है। लेकिन गाइस लगभग 90% चांस है कि भाई देखो इसका जो लुक है ये लुक आगे जाके और भी चेंजमेंट होने वाला है, बिकॉज अभी तक ये पूरी रेडी नहीं हुआ है। तो इतना तो कंफर्म समझ लो कि भाई देखो आगे जाके इसका नया लुक आप सभी को देखने मिलने वाला है। बस आपको बता दूं कि भाई देखो इसके अंदर एक न्यू इफेक्ट आप सभी को देखने मिलने वाला है, जो कि नियॉन इफेक्ट है। भाई देखो नियॉन इफेक्ट एक ऐसा चीज है कि भाई इसके अंदर हमेशा आप लोगों को लाइटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा, हमेशा ये क्रिमिनल बंडल अपने आप में ही जलता रहेगा। अब गाइस देखो इससे तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि भाई देखो अंदर में जैसा लाइट चमकता है ना, बिल्कुल ये भी गाइस क्रिमिनल बंडल गेम के अंदर चमकता रहेगा। आप लोग गेम में किसी बंडल को पहचानो या फिर ना चाहो, लेकिन भाई ये जितना दूर से जाएगा फिर भी आप लोग इसको देख पाओगे और आराम से कह सकते हो कि यार नहीं सामने से नियॉन क्रिमिनल बंडल जा रहा है। खैर बाकी यार गाइस आप लोग को ये वाला नया क्रिमिनल बंडल कैसा लगा है और भाई ये जो नया डिजाइन क्रिमिनल बंडल के अंदर दिया गया है ये आप सबको कैसा लगा है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो गाइस बढ़ते वीडियो में आगे अपने नेक्स्ट इनक्यूबेटर की तरफ। गाइस देखो गेम के अंदर आने वाला है नेक्स्ट में एक बंडल का इनक्यूबेटर, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 6 बंडल मिलने वाला है, बेसिकली 3 मेल बंडल और साथ में यार 3 फीमेल बंडल। गाइस देखो अब तक गेम के अंदर क्या होता था यार, आप लोगों को मेल का ही 4 बंडल मिल रहा था 4 कलर में, लेकिन यार उसमें बहुत सारे प्लेयर खुश नहीं थे, तो जिस वजह से गाइस गर्ना वाले ने इस बार डिसीजन लिया कि भाई आप लोग को इस बार 3 मेल बंडल दिया जाएगा और साथ में आप लोगों को 3 फीमेल बंडल भी दे दिया जाएगा। तो भाई देखो आपको इनके अंदर से जो भी बंडल अच्छा लगता है आप लोग उसको परचेस वगैरह कर सकते हो, बाकी पूरा बंडल का रिव्यू तो आपको मैं दे ही रहा हूं। गाइस देखो यही कुछ बंडल वगैरह नेक्स्ट अपने इनक्यूबेटर के अंदर आप लोगों को देखने में मिलने वाला है। वैसे हां एक बात है गाइस देखो इस तरह का सेम टू सेम डिजाइन वाला बंडल ऑलरेडी अपने गेम के अंदर बहुत पहले आ गया था अपने डायमंड रॉयल के अंदर, लेकिन इस बार जो बंडल आप लोग को मिलेंगे अपने इनक्यूबेटर में भाई देखो उसके अंदर थोड़ा मोड़ा इफेक्ट अच्छा मिलेगा। और हाँ देखा जाए तो गाइस देखो लुक भी यार काफी तगड़ा ही देखने में लग रहा है, मुझे तो यार इनक्यूबेटर बंडल देखने में सही लग रहा है। वैसे आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सही बताना गाइस देखो मुझे तो यार फीमेल बंडल यार बढ़िया लग रहा है अपने इनक्यूबेटर का, मतलब यार मेल से तो फीमेल बंडल इस बार काफी अच्छा ही रेडी किया गया, तो भाई मैं चाह रहा हूं कि यार एक फीमेल बंडल मुझे परचेस करना है इसके अंदर से। और वैसे भी गाइस सबसे खास बात यह कि भाई देखो जब 6 बंडल आया है तो भाई कहीं ना कहीं 500 डायमंड के अंदर ही एक ब्लूप्रिंट तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा डायमंड खर्च करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। गाइस ये गारंटेड है कि यार 500-600 डायमंड के अंदर एक ब्लूप्रिंट आप लोग ले ही सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों को बढ़िया लगता है बंडल वगैरह
रहा तो यार थोड़ा मोटा डायमंड इसके अंदर लगा सकते हो, जैसे कि नॉर्मली 500 डायमंड तक आप लोग लगा सकते हो, लगाकर देख सकते हो एक ब्लू मिनट तो आराम से निकल ही जाएगा। तो फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने नेक्स्ट सीएस रैंक और अपने बरमुंडा रैंक गन स्किन रिवॉर्ड के बारे में। गाइस देखो यहां पर गोल्ड 3 पर जाने के बाद बेसिकली गोल्ड 3 पे ही मिलता है, तो भाई देखो यहां पर गोल्ड 3 पे जाने के बाद गाइस आप लोग को दो गन स्किन मिलने वाला है, एक तो अपने सीएस रैंक पर दूसरा अपने बरमुंडा रैंक पर। बात करें सीएस रैंक की तो भाई आप लोग को मिलेंगे एक एसी80 का गोल्डन स्किन और साथ में आप लोग को बरमुंडा में मिलने वाला एक न्यू मैग 7 का गन स्किन। लेकिन हां गाइस देखो अभी तक गन स्किन का कुछ कंफर्मेशन एट्रीब्यूट आया नहीं है कि वो इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या कुछ दिया जाएगा, बाकी यार देखो आने वाले कुछ दिन के अंदर इसका कंफर्मेशन एट्रीब्यूट भी आ जाएगा और साथ में सब लोग को जिसको जो एनिमेशन वगैरह ये भी देखने में मिल जाएंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा टाइम इंतजार कर जाओ, इसके बाद आप लोग को मैं एट्रीब्यूट एंड भाई एनिमेशन पूरा रिव्यू करने वाला हूं ये दोनों गन स्किन का। तो आगे बढ़ते वीडियो में नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस देखो गेम के अंदर आने वाला है आप लोग को जो न्यू इवो यूएमपी था, मतलब यार बहुत पहले आया था, वो फिर से बैक आने वाला है। और सबसे खास बात गाइस देखो बांग्लादेश सर्वर के लिए इसका डेट को कंफर्म किया गया है 13 जुलाई, मगर यार मुझे लगता है कि भाई आज सुबह ही अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर आप लोग को अपना इवो यूएमपी देखने में मिल गया। तो गाइस अगर आप में से कोई भी मेरे इस वीडियो को बांग्लादेश से देख रहे हो तो यार आप लोग प्लीज बताना कमेंट करके यार आपके सर्वर में इवो यूएमपी आज सुबह आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आपको 13 जुलाई तक आप लोग को इवो यूएमपी देखने में मिल जाएंगे अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर। और गाइस देखो 13 जुलाई के कुछ दिन बाद ही अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी आप लोग को देखने में मिलने वाला है अपना इवो यूएमपी बैक। हां तो गाइस अगर आप में से किसी को भी अपना इवो यूएमपी परचेस करना है तो आप लोग तैयार हो जाओ। लेकिन उससे बड़ी एक गुड न्यूज है कि भाई देखो गेम के अंदर रैको के भी फिर से बैक आने वाला है अपने इंडिया सर्वर के अंदर, साथ में अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर दोनों में ही। तो बात करें डेट के बारे में गाइस देखो अपना ड्रैको के बैक आने वाला है अपने 5th एनिवर्सरी टाइम पे, मतलब कि अपने अगस्त मंथ पे बैक आएगा अपना ड्रैको एक। और जितना कंफर्मेशन है कि भाई देखो ड्रैको के आने वाले अपने 5th एनिवर्सरी के अगस्त मंथ पे ही, मतलब यार आप लोगों को 27 अगस्त पहले आप लोगों को देखने में मिल जाएंगे ड्रैको एक। तो भाई जिनको भी ड्रैको एक और ईवीएमपी परचेस करना है आप लोग तैयार हो जाओ, एंड भाई देखो बहुत जल्दी में गेम के अंदर दोनों गन स्किन को बैक लाया जाएगा। वैसे हां गाइस देखो इस टॉपिक पर आप लोगों के काफी सारे कमेंट थे जिसके मैंने इस टॉपिक को आज ही कवर कर दिया, तो भाई आज आपको मैं कमेंट का रिप्लाई भी दे दिया हूं इसी टॉपिक के द्वारा। और भाई देखो आपको मैं पूरा अपडेट भी दे दिया हूं कि ड्रैको के भी आने वाला है। वैसे हां गाइस आप में से कौन कौन ड्रैको के परचेस करने वाले हो और कौन कौन ईवो यूएमपी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते वीडियो में कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी देना है। हां तो गाइस बात कर लेते फर्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई ट्रॉपिकल पैरेट स्किन आने वाला है गेम में। भाई देखो आने तो वाला है मगर अभी तक कुछ डेट वगैरह कंफर्म है नहीं, लेकिन यार चांसेस तो है कि 5th एनिवर्सरी के टाइम पे आए, बाकी यार तो अगर आगे जाकर डेट वगैरह कंफर्मेशन मिलता है सबको मैं जरूर बता दूंगा। हां तो बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई कालाहारी मैप को परमानेंट समय के लिए खेल सकते हैं आफ्टर OB35 अपडेट? जी हां बिल्कुल, क्योंकि देखो मैप को डिजाइन करने के लिए करने वाले की पसंद छूट जाते हैं। अब देखो एक बार मैप डिजाइन कर ले तो भाई उसको हमेशा के लिए रखा जाएगा कि मैप को उड़ाया नहीं जाएगा। आप लोग चाहो तो खेल सकते हो, चाहो तो उसको आप लोग डाउनलोड नहीं भी कर सकते हो, मगर रहेगा हमेशा के लिए। हां तो इसके बाद कमेंट आता है कि सनी भाई ईवो यूएमपी कब आने वाला है? ऑलरेडी मैंने आज के इस वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं तो आप लोग को पता चल गया है। इसके बाद कमेंट आता है कि सनी भाई जोकर इनक्यूबेटर बंडल कब आने वाला है और गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ कब देखने में मिलेगा? भाई देखो गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ आप लोग को देखने मिलने वाला है अपने अगस्त मंथ पे। और हां गाइस देखो जोकर इनक्यूबेटर के लिए अभी तक तो कुछ कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन यार अगर चाहेगा आप करने वाले तो भाई ला सकता है। वैसे कि अगर आगे जाए कुछ डेट वगैरह मेरे हाथ में लगेगा तो भाई आपको मैं जरूर शेयर कर दूंगा। हां तो बढ़ते वीडियो में आगे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सनी भाई अपना जो कॉल बैक इवेंट है ये कब बैक आने वाला है और क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा? गाइस देखो हर बार आप लोग को एनिवर्सरी के टाइम पे एक ना एक कॉल बैक इवेंट देखने मिलता है, तो भाई जाहिर सी बात है इस बार भी आप लोग को 5th एनिवर्सरी स्पेशल एक ना एक कॉल बैक इवेंट देखने में मिलेंगे। और यार रिवॉर्ड में आप लोग को लूट बॉक्स डायमंड लॉचर ये सब हर बार मिलता है, तो भाई इस बार भी कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलने वाला है। हां तो गाइस फिलहाल बात कर लेते नेक्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई नेक्स्ट इवो गन का कंफर्म डेट बताओ। ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो में बता चुका हूं ड्रैको कब आने वाला है और इवो एमपी कब आने वाला है, ये सब जिक्र हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन हां गाइस देखो इनके बाद यार आपको बता दूं एक इवो M4 भी गेम के अंदर काफी जल्दी में आने वाला है। और गाइस देखो उसके बाद आप लोग को एक अपना इवो M87 भी गेम के अंदर देखने में मिलने वाला है। तो भाई देखो इतना सारे कुल मिला के इवो गन्स अपने गेम के अंदर बैक आने वाला है, जो भी आप लोग को बढ़िया लगता है आप लोग उसको परचेस कर सकते हो। वैसे हां गाइस मेरा वीडियो आज कहीं तक अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना। इस तरह के कंटेंट तो आप लोग को हर दिन मेरे चैनल पर देखने में मिलता रहेगा ही, तो यार सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर देना।